भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सभी माताएं बहनें संतान प्राप्ति के लिए, संतान की दीर्घायु के लिए, संतान की उन्नति तथा प्रगति और कुशलता की कामना के लिए हल छठ का व्रत करती है। इसे हल षष्ठी, हल छठ या हर छठ के नाम से जाना जाता है। हल षष्ठी व्रत भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को समर्पित होता है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है कि इस दिन भगवान बलराम जी का जन्म हुआ था। नवविवाहिता ये व्रत संतान सुख के लिए करती है। इस साल हल षष्ठी का महापर्व 5 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन हल षष्ठी का महापर्व रहेगा। इसे ललई छठ के नाम से भी जाना जाता है। इस बार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि का आरंभ 4 सितंबर 2023 की शाम को 4:41 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 5 सितंबर 2023 को दोपहर 3:46 पर षष्ठी तिथि का समापन हो जाएगा। हल छठ पूजा का जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा वो प्रातःकालीन वेला से लेकर के मध्यान्ह काल तक रहता है, यानी 5 सितंबर 2023 को सुबह 9:31 से पूजा का शुभ मुहूर्त आरंभ होगा, जो कि दोपहर 12:37 तक रहेगा। धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार बलराम जी का मुख्य शस्त्र हल और मूसल है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर इस पावन पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा है। इसे हलधर भी कहा जाता है। इस दिन खेती में उपयोग होने वाले उपकरणों की पूजा की जाती है। सभी माताएं बहनें अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख शांति समृद्धि के लिए व्रत रखती है। संतान के सारे कष्ट और संकट इस व्रत को रखने से दूर हो जाते हैं। हल षष्ठी के दिन माताओं को महुआ की दातून और महुआ खाने का भी कहीं कहीं पर विधान है। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग परंपरा है। हल षष्ठी के दिन माताएं बहनें एक गड्ढा खोद करके उसे गोबर से लीप करके तालाब का रूप बना देती है। इस तालाब में झरबेरी और पलाश की एक शाखा बांध करके उसमें गाड़ दिया जाता है। हालांकि कई जगह एक परंपरा है कि मंगलवार के दिन गड्ढा नहीं खोदा जाता है। अब ऐसे में कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या मंगलवार के दिन हम भूमि खोद सकते हैं क्या, गड्ढा खोद सकते हैं क्या? तो हम आपको बता दें कि मंगलवार के दिन आपको हल छठ पूजा के लिए गड्ढा नहीं खोदना है। यानी एक दिन पहले थोड़ा सा आप गड्ढा खोद लीजिए और बाकी अगले दिन यानी हल छठ 5 सितंबर को गड्ढा खोद करके तालाब बना करके उसमें एक पलाश की शाखा बांध करके उसमें गाड़ दीजिएगा। भगवान गणेश जी और माता पार्वती जी की पूजा हल छठ में की जाती है तथा छठ माता की भी पूजा इसमें होती है। इस पूजा के समय 7 प्रकार के अनाज चढ़ाए जाते हैं। इस व्रत में हल से जोत करके उगाए हुए अन्न को नहीं खाया जाता है तथा पूजा के बाद भैंस के दूध से बने मक्खन का अर्पण किया जाता है और मक्खन से हवन भी किया जाता है। रात्रि में जब चंद्रमा का दर्शन होगा, चंद्रोदय होगा, यानी 5 सितंबर 2023 को चंद्रोदय का जो समय रहेगा वो 10:03 का रहेगा। और चंद्रोदय के समय चंद्रमा का दर्शन करने के बाद इस व्रत का पारणा किया जाता है। हल षष्ठी के दिन सुबह स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए कपड़े धारण करें, फिर पूजा के लिए गोबर लेकर आए और उससे जमीन लीप करके एक तालाब की आकृति बनाएं। उसके बाद झरबेरी, अमलतास और पलाश की एक एक डाली को बांध करके एक हर छठ बनाएं। फिर उस हर छठ को इस तालाब में झरबेरी, तास, अमलतास तथा पलाश की एक एक शाखा बांध करके हर छठ को तालाब में गाड़ दे। इसके बाद पूजा करें। पूजा में 7 प्रकार के अनाज चढ़ाने की परंपरा है। 7 अनाज में गेहूं, जौ, चना, मूंग, मक्का, धान और अरहर, इन 7 अनाजों को चढ़ाने के पश्चात हरी कजरिया, धूल, होली दहन की राख और होली की आग पर भुने हुए होरहा,
भुने हुए भुट्टे और जौ की बाली अर्पित की जाती है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग परंपराएं हो सकती है। तालाब में गाड़ी गई हर छठ के पास आभूषण और हल्दी का रंगा हुआ कपड़ा रखे। उसके बाद भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन करना चाहिए। ध्यान रहे, इस दिन गाय के दूध से बनी कोई भी वस्तु का उपयोग नहीं किया जाता है। गाय का दूध पीना भी नहीं चाहिए। गाय का दूध खाने पीने में उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल भैंस के दूध का ही उपयोग करना चाहिए। और हल छठ माता का पूजन अर्चन करके और उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दान दक्षिणा भी प्रदान करना चाहिए। हल छठ के दिन हल से जूता हुआ अन्न खाने का भी बहुत महत्व होता है। हर छठ के दिन महुए के दातुन से दांत साफ किए जाते हैं और हर छठ माता की पूजा अर्चना करने के बाद उनकी आरती उतारी जाती है। अब हम आपको हर छठ की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय, छठ माता की जय। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक ग्वालिन निवास करती थी। वो स्वभाव से बहुत लालची थी। वो हर दिन गांव में दूध दही मक्खन बेचने जाया करती थी और वो ग्वालिन गर्भवती थी। उसके प्रसव का समय आ गया। एक दिन जब वो गांव में दूध दही बेचने जा रही थी तो मार्ग में उसके प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसने सोचा कि यदि मैं प्रसव के कारण दूध दही नहीं बेचने जाऊंगी तो ये सारा दूध दही खराब हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। यही सोचकर वो आगे बढ़ती रही, परंतु गांव पहुंचने से पहले ही उसका प्रसव हो गया, यानी उसने बच्चे को जन्म दे दिया। उसने झरबेरी की ओट में बच्चे को जन्म दिया, परंतु अपनी वस्तुएं बेचने के उन्माद से वह बच्चे को वहीं छोड़ करके गांव में दूध दही आदि बेचने चली गई। उस दिन संयोग से हल छठ थी। गांव वालों ने उससे पूछा कि यह दूध भैंस का है या गाय का है। आज हल षष्ठी है और आज हम सिर्फ भैंस के दूध से बनी वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे। उसने मन ही मन सोचा कि यदि इन्हें सच बता दूंगी कि यह दूध गाय और भैंस दोनों का मिश्रित है तो ये लोग आज मुझसे दूध नहीं खरीदेंगे, इससे मेरा सारा दूध खराब हो जाएगा और मेरी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। यह सोच करके उसने गांव वालों से झूठ बोल दिया कि यह दूध तो सारा भैंस का है, पीवर भैंस का दूध है, इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है। भोले भाले गांव वालों ने उसकी बात को सच मान करके उससे दूध खरीद लिया। उस ग्वालिन को आभास भी नहीं हुआ कि उसने हल छठ के दिन झूठ बोल करके कितना बड़ा अपराध किया है। उसके इस पाप कर्म के फल स्वरूप उसने जिस झरबेरी की ओट में अपने नवजात बच्चे को छोड़ा था, उसके पास के खेत में किसान हल चला रहा था, तभी अचानक उसके बैल बेकाबू होकर के दौड़ने लगे और लगे हल का फल बच्ची के पेट में धस गया। हल के घुसते ही वह बालक मर गया, उसको मृत्यु प्राप्त हो गई। उस बच्ची को मरा हुआ देख करके किसान को बहुत दुख हुआ। किसी को पता न चले यही सोच करके उसने उस बच्चे के शरीर के घाव को झरबेरी के कांटों से टांग दिया और अपने बैलों को लेकर वहां से चला गया। जब ग्वालिन दूध बेच करके उस झरबेरी के पास पहुंची तो अपने बच्चे की ऐसी हालत देख करके चीख मार करके जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। उससे स्मरण हुआ कि आज हल छठ के दिन, हल षष्ठी के दिन मैंने लोगों को झूठ बोल करके भैंस के स्थान पर गाय और भैंस का मिश्रित दूध बेच करके और उनकी पूजा का मैंने खंडन कर दिया है, उनकी पूजा को मैंने भंग कर दिया है। उसने जो अपराध किया है उसी का परिणाम उसे प्राप्त हुआ। ईश्वर ने उसे उसी पाप की सजा दी है। यही सोच करके उसके मन में प्रायश्चित का भाव जागा और अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए वो वापस उसी गांव में गई जहां उसने लोगों को झूठ बोल करके दूध बेचा था। वहां हर गली और हर
मोहल्ले में घूम घूम करके उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और जोर जोर से चिल्ला करके उसने कहा कि मैंने आज आपको झूठ बोल करके भैंस के स्थान पर गाय और भैंस का मिश्रित दूध बेच दिया है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। उन लोगों को उसे मिली सजा के विषय में भी बता करके उसने क्षमा याचना की। तब उन स्त्री और पुरुषों को और सभी लोगों को उस ग्वालिन के ऊपर दया आ गई और उसे क्षमा कर दिया। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करी कि उस ग्वालिन की भूल को क्षमा करे। सभी से क्षमा मांगने के बाद जब वो एक बार फिर से झरबेरी के नीचे पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा जीवित हो उठा है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उसने हाथ जोड़ करके छठ माता को प्रणाम किया, भगवान को नमन किया और भविष्य में कभी भी झूठ नहीं बोलने का उसने प्रतिज्ञा ले ली। और उसने वहाँ पर एक तालाब नुमा गड्ढा बना करके उसमें छठ माता की पूजा की, भगवान गणेश जी की पूजा की, शंकर पार्वती की पूजा की। इस पूजा के प्रभाव से उसका बच्चा सुरक्षित उसे प्राप्त हो गया। तो इस कथा से हमें एक सीख मिलती है कि कभी भी अपने स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ के बराबर कोई भी पाप नहीं होता है, इसको ब्रह्म हत्या के समान माना गया है। इसलिए हमें कभी भी अपने स्वार्थ और दूसरों का अहित करने के लिए झूठ का सहारा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। क्योंकि सत्य से बड़ा कोई भी तप नहीं है, सत्य से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है और झूठ से बड़ा कोई भी पाप नहीं है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, छठ माता की जय, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए शंकर भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप हल छठ के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, कथा की दक्षिणा देना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, दूध का दान करना चाहते हैं, अन्नदान वस्त्रदान गोदान या कोई भी दान पुण्य हर छठ हल छठ के निमित्त हल षष्ठी के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे फोन पे पेटीएम नंबर अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके हल षष्ठी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय, छठ माता की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।